नमस्कार फ्रेंड, श्रीमती जी की रसोई लाइफ स्टाइल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने शिमला कट कर लिया, आलू तो जिसे मैंने तल के निकाल लिया, ये देखिए मैंने प्याज भी तल के निकाल रही हूँ। तो शिमला मिर्ची और आलू को पहले ही तल के निकाल लिया मैंने तेल में, ये देखिए सबको मैंने तेल में तल के निकाल लिया है। तो आप फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत अच्छी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये इधर देखिए मैंने टमाटर पीस लिया, इधर लहसुन मिर्चा अदरक प्याज का पेस्ट बना रही हूँ और तेल उसी तेल में मैं ये देखिए खड़ा मसाला डाल रही हूँ। खड़े मसाले में लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता और जीरा डालूँगी। तो ये देखिए हमारा जीरा और सब तड़क रहा है, बड़ी इलायची भी डाला है मैंने और प्याज का प्यूरी मैं डाल रही हूँ। प्याज का प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से उसे भून लूँगी, तब तक भूनूँगी तब तक कि उसका तेल ऊपर नहीं आ जाए। तो आप इसी तरह अच्छी तरह भूनिए और सब्ज़ी बनाइए और देखिए उसका टेस्ट बहुत अलग आएगा आपको। तो ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया है, उसे भी मैं अच्छी तरह से चला दूँगी और अच्छी तरह से भूनूँगी। भूनते भूनते टमाटर हमारा एकदम सूख जाएगा और उसमें मैं सब मसाले डाल दी हूँ। तो मसाले में मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काश्मीरी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी दही ली है 3-4 चम्मच, उसे भी मैं मसाले में डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसी तरह बनाइए थोड़ा सा दही डाल करके तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सच मानिए फ्रेंड, बहुत अच्छा टेस्ट आया था, मैंने बना के खाया और टेस्ट लिया। तो आप भी इसी तरह बनाइए। तो ये देखिए हम मसाले में पानी डाल दिए हैं, पानी हम मसाला हमारा अच्छी तरह पक गया और बलक गया पानी। तो मैं आलू और शिमला मिर्ची और प्याज को डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तीनों सब्जियों को मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। और इधर मैंने काजू और कुछ सूखे मसाले लिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा बासमती चावल भिगा के रखी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बासमती चावल का बहुत जल्दी से बनने वाला आपको सादा पुलाव बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है, झटपट बनाना हो तो आप इसी तरह बना सकते हैं। इधर मेरी सब्ज़ी भी पक रही है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया हुआ है, पक चुकी है, मैंने बंद कर दिया है। इधर मैंने कुकर लिया है, इसमें आप लौंग, काजू, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, आप घी डालने के बाद तड़का दे दी हूँ मैं, ऐसे थोड़ी देर चला लूँगी। ये देखिए चला लिया मैंने, और जो मैंने चावल पहले से भिगा के रखा था बासमती चावल, 15 मिनट मैंने भिगा के रखा था। तो आप इसी तरह से बासमती चावल का सादा पुलाव बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार बना के ट्राई करिए और स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। सब्जी चावल के साथ पराठा बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार ऐसा चावल बना के देखिए आप, बहुत जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी बनता है, हमारे घर में बहुत पसंद है। तो इधर मैंने पानी डाल करके कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा सादा पुलाव बन के तैयार हो गया, इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। तो सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है और टेस्टी भी बना था, मैंने खा के देखा था। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पुलाव और सब्ज़ी दोनों बना लिया है।